नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा हुआ था कि UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीज में नंबर 50 के आवेदन करने में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपके संदेह, आप उस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा और मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं उनका मैं जवाब दूँ। तो इसी कड़ी में आज का वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं। 100 से अधिक कमेंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं हर एक कमेंट को लेने का प्रयास करूंगा। 5 दिन हो गया, रुपया जमा हो गया है, आशीष त्रिपाठी जी का कहना है। आगे कोई क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा हुआ है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मेरा फॉर्म सबमिट क्यों नहीं हो रहा है जबकि मैंने फीस भी जमा कर दी है? जी आशीष त्रिपाठी जी, अच्छा आपका क्वेश्चन आ गया। तो आशीष जी, मैं आपको बता दूँ कि कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और हो नहीं सकती, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये प्रॉब्लम है और बहुत जल्द इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। फिर भी आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट है UPSSC 2021 यानी पोर्टल है, उसमें एक नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन का। आप लोग आप जो उसमें कॉल ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों की भी जानकारी में ये समस्या आ सके और संबंधित पोर्टल में इसमें सुधार किया जा सके, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म अप्लाई करने में इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी रीटा YP सर, हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए? बिल्कुल मैम, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे और आपको पेमेंट रिसीव होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके नोट्स हमारे पास डिस्पैच हो जाएंगे और आपको रिसीट भी दे देंगे, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सर हम JRF क्वालिफाई हैं, बट फॉर्म फिल करने पर उसमें JRF फेलोशिप नंबर पूछा गया और वो सर्टिफिकेट में समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताएं, बिकॉज फॉर्म और बीच में ही रुक गया है, प्लीज़ हेल्प। हामी सर, देखिए आपको बता दें कि जो JRF अवार्ड लेटर है, जहाँ पर आपसे फेलोशिप नंबर की बात की जा रही है, ठीक है, तो जो JRF अवार्ड लेटर है उसी का जो नंबर है वही आपको वहाँ पर देना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका JRF है बट उन्होंने PhD में एडमिशन नहीं लिया है किसी कारणवश, तो ऐसे लोगों भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों को मेरे पास जो कमेंट्स वगैरह आए थे कि इसमें मैं कौन सा नंबर डालूं, तो आप लोग भी अगर आपके पास JRF है, आपको एडमिशन मिला हो या ना मिला हो, फेलोशिप आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो जो JRF अवार्ड नंबर है उसी को आपको मेंशन करना है, क्योंकि जो JRF अवार्ड लेटर होता है इसी के आधार पर आपकी जो फेलोशिप है वो रिलीज की जाती है जब आपका एडमिशन हो जाता है PhD में। तो सिंपल सा है, JRF अवार्ड लेटर आपको यहाँ पर जो है दे देना है, JRF अवार्ड लेटर का जो नंबर है उसी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वंदे मातरम सर, गौरव जी वंदे मातरम। एंड प्रतिमा सिंह सर, फॉर्म सबमिट करने के बाद करेक्शन कैसे होगा? देखिए आपने अगर फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया है तो आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर अभी आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है, प्रीव्यू के लिए छोड़ रखा है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए अगर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये पूरा प्रोसेस होता है कि अभी रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई अगर करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। तो जिस समय आप इंटरव्यू के लिए आपकी कॉलिंग होगी उस समय आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ पर वो मिला लेंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा, बशर्ते बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो। बहुत बड़ी मिस्टेक का तात्पर्य है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है या आपका नाम गलत है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड सर IMN ICMR JRF कैन आई ऑप्ट एस इन आर यू JRF सेक्शन? अच्छा, ये जो JRF सेक्शन है क्या वहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ? शशिभूषण राय जी ने पूछा है। देखिए शशिभूषण राय जी, अगर आपने जो JRF आपने अवेल किए ये एग्ज़ाम के थ्रू है और आपके पास सर्टिफिकेट है इसका, तो आप निश्चित तौर पर यस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास JRF अवार्ड लेटर होना चाहिए। सर MA प्राइवेट स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन क्लिक करें? देखिए प्राइवेट का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 3 ऑप्शन है, रेगुलर एंड डिस्टेंस और तीसरा ओपन। तो ओपन क्या होता है कि आपने देखा होगा ओपन जो ओपन यूनिवर्सिटी है, जैसे इग्नू और महर्षि करके भी है, तो इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर आपने कोई भी कोर्स ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो वो ओपन में आएगा। अगर आप रेगुलर जाके किसी यूनिवर्सिटी से कोर्स आपने डिग्री ली है तो वो रेगुलर में आएगा, और प्राइवेट ही एक ऐसा है जो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है,
ठीक है, तो आपको डिस्टेंस में अप्लाई करना चाहिए। और देखिए ओपन में क्या होता है कि आपको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर इग्नू की बात करें तो सप्ताह में एक या दो दिन का जो है डाउट क्लियरेंस क्लासेस जैसा होता है, तो उसमें आपको जाना पड़ता है और असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। प्राइवेट में क्या होता है, आपने फॉर्म भर दिया और सीधे आपसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यालय से दूर रह के आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, किसी तरीके से टच में नहीं रहते आपको, बस जहाँ पर आपका सेंटर होता है वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो डिस्टेंस आप भरिए, इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे यहाँ पर प्राइवेट का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अभी जो दिए गए ऑप्शन है उसमें आप डिस्टेंस के साथ जाएँ। रिस्पेक्टेड सर जी, संदीप जायसवाल जी, आप स्वयं हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आई वेट योर नेक्स्ट वीडियो। जी मैंने देखा था, चूँकि मैं सभी कमेंट पर लगातार काम कर रहा था, मैं ये चाह रहा था कि कुछ लोग देर से वीडियो देखते हैं, तो अगर उनके भी डाउट्स हैं तो कमेंट आ जाए, तो मैं ज़्यादा अच्छा सबको जवाब दे पाऊँगा। सर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, बट प्रिंट करने को नहीं दे रहा है फॉर्म। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर, प्लीज़ टेल मी। देखिए बिल्कुल आप ज़बरदस्ती तो प्रिंट नहीं ले सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन वहाँ से देगा तभी आएगा। फिर भी अन्य लोग जो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका भी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है तो आप सिंपल कर लीजिए, अपने मोबाइल से उसकी फ़ोटो खींच लीजिए, फॉर्म आपके लिए जनरली आ जाएगा। वैसे देखिए जो भी दिक्कत आ रही है उसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है एजेंसी के द्वारा, उन्हें आप कॉल ज़रूर कीजिए। अगर सब लोग एक एक कॉल भी करेंगे ना तो कई कॉल्स हो जाएंगे, और निश्चित तौर पर वो जो भी आप लोगों की दिक्कतें आ रही हैं उनको अवश्य दूर करेंगे। अगर इस तरह कोई दिक्कत हो रही है तो निश्चित तौर पर कुछ प्रॉब्लम होगी एजेंसी, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगी, जिसको जो वहाँ के इंजीनियर हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे होंगे, जो भी टेक्निकल टीम वगैरह है। ठीक, आपने अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दिया, आपका ओके है, रिसीट है आपके पास, उसको संभाल के रखिए, और फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो मोबाइल से आप उसके पिक कर लीजिए। डियर सर, व्हाट इज़ द फेलोशिप नंबर? जी अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया, पीएचडी नहीं भी कर रहे तो जो जेआरएफ अवार्ड लेटर का नंबर है, उस लेटर पे नंबर पड़ा होगा, उसको आपको फिल करना है अगर आप जेआरएफ हैं। ठीक, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको फेलोशिप मिल रही या नहीं मिल रही इससे कोई मतलब नहीं। सर एमए प्राइवेट से करने पर कौन सा मोड सेलेक्ट करें? जी बिल्कुल चित्रा रायकवार जी, डिस्टेंस आप सेलेक्ट कीजिए। करेक्शन का ऑप्शन देंगे साइट पर या नहीं? देखिए एक बार आपने सबमिट कर दिया तो नहीं देंगे, और वेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके आधार पर जो है आप लोगों को दिक्कतों को देखते हुए करेक्शन ऑप्शन दिया जाए, और मेरे हिसाब से देना चाहिए। बट अगर तरीका ये होता है कि अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या कुछ एजेंसी होती हैं जो कुछ फी वगैरह लेके आपको करेक्शन का ऑप्शन देती हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको हम लोगों को। सर मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हुआ है इस बार, पर अभी फेलोशिप नहीं ली है मैंने। जी ज़रूरी नहीं कि आप फेलोशिप लें, आपके पास जेआरएफ लेटर है तो जेआरएफ अवार्ड लेटर के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, या जो सीरियल नंबर, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए या सीरियल नंबर के लिए, उसको आपको वहाँ पर फिल करना है। एंड वाईके जस्ट्रिक्स सर, सीएसआईआर नेट जून 2020 का ई सर्टिफिकेट तो आया नहीं अभी, तो फॉर्म कैसे फिल करें? और ई सर्टिफिकेट के प्लेस पर स्कोर कार्ड लगा सकते हैं क्या सर? देखिए स्कोर कार्ड चूँकि जब आपका सर्टिफिकेट आएगा तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इशू डेट उसकी। आप वेट कर लीजिए थोड़ा, लास्ट डेट तक, लास्ट डेट से एक दो दिन पहले तक तो आप वेट कर लीजिए, हो सकता आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ें आप तैयार करके रखिए, अन्यथा की दृष्टि में जो है फिर आप जो आपके पास कागज़ है वो अप्लाई कर दीजिएगा। अगर देखिए आप नहीं अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपकी तो दावेदारी ही समाप्त हो जाएगी, और अगर आप सबमिट कर देते हैं और आपका रीजन बोर्ड को समझ में आता है, सॉरी आयोग को कोई, और अगर वो आपको कंसीडर कर लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। वैसे भी वैकेंसी कितने दिन में आती है आप सब लोग जानते हैं। सर प्लीज़ बताएं कि क्या बीएड और एजुकेशन अलग अलग फॉर्म भरना होगा,
और क्या इनका एग्ज़ाम भी अलग अलग हुआ? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं दो विषयों की योग्यता रखता हूँ तो क्या मुझे दो विषयों में अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए, अगर चूंकि आपने हमसे पूछा तो देखिए आपका डिसीजन, आप दो फार्म भी भर सकते हैं, आप चार फार्म भी भर सकते हैं, आप छः विषयों में भी फार्म भर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और सभी लोगों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक ही राय दूंगा और जो मुझे उचित भी लगती है, और मैं बिल्कुल इसी के साथ जाऊंगा कि आपको जॉब एक करनी है। कंपटीशन बहुत है, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति योग्यता रखता है तो वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपका डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत की आवश्यकता होती है, और इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अन्य लोग चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे बुक्स के माध्यम हो, सारा मैटर आपके चारों तरफ है, लेकिन आपको कंसंट्रेट होके उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि आप बेशक बीएड और एजुकेशन का पाठ्यक्रम एक जैसा है, ठीक है, तो लेकिन कंपटीशन सब जगह है। आपका माइंड फिर भी डाइवर्ट रहेगा कि हमने दो जगह डाला हुआ है, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप किसी एक फॉर्म में अप्लाई कीजिए। दूसरा रीज़न मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है, और वो लाइन है कि एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन करेगा। मान लीजिए आपने दो विषयों में कर दिया और एग्ज़ाम भी अलग अलग हो गया, और उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, कल को परिस्थितियाँ बदलें और कोई नियम आ जाए या कोई जांच बैठा दे, और बाद में पता चलता है कि आपने दो विषयों में आवेदन किया था, और इस कारण अगर आपको डिबार कर दिया जाए और आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, तो ये कहीं किसी भी अभ्यर्थी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी ऐसी गलती न कीजिए जिसके लिए जो है भविष्य में आपको पछताना पड़े। तो आप बिल्कुल, आप बीएड या एजुकेशन में जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस पर आपका होल्ड हो या जिसमें आपका अधिक इंटरेस्ट हो, आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। अब बात रही कि दोनों का एग्ज़ाम क्या एक साथ होगा या अलग अलग होगा। चार चरणों में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और एक चरण मान लीजिए कि 50 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट में करीब 12 से 13 सब्जेक्ट होंगे। अब एजुकेशन और बीएड का एक साथ होगा या नहीं होगा, ये अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। ये तो जब डिटेल एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा तब वहाँ पर पता चल पाएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, आपने चूँकि पूछा है तो मैं यही राय दूंगा कि आप एक ही फॉर्म, एक ही जगह आवेदन करें, क्योंकि फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा है, 2000 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज़ अहमद जी ने पूछा, सर ये ऑप्शन कहाँ आया है कि ओमेन में डाल रहे हैं या को एजुकेशन में? मैंने फॉर्म भरा लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आया है। देखिए, वो आपसे पूछ लेते हैं सिंपल कि आप कौन है, मेल है या फीमेल है, वहाँ पे आप ऑप्शन देते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है अलग अलग मेरिट बना के महिलाओं के कॉलेज महिलाओं को पहले, देखिए ये जो मेरिट बनती है इसको भी पहले आप पूरा कंसेप्ट समझिए UPSC का, जो मैं समझ पाया हूँ, ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, तभी आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल पाएगा। रिटर्न एग्ज़ाम की मेरिट कैसे बनती है? तो रिटर्न एग्ज़ाम की मेरिट ऐसे बनेगी, महिलाओं की अलग बनेगी, पुरुषों की अलग बनेगी, और पुरुषों की मेरिट में क्या होगा, कैटेगरी वाइज सारा कुछ अलग होगा, ऐसे महिलाओं की भी कैटेगरी वाइज सारी अलग रिटर्न की मेरिट बनती है। जैसे OBC की अगर लिस्ट बनेगी तो एक OBC की बनेगी और दूसरी OBC महिला की बनेगी। इस तरह जब जनरल की बनेगी तो जनरल की बनेगी और जनरल महिला की बनेगी, और EWS की भी इस तरह बनेगी। तो होता क्या है कि जहाँ पर पोस्ट कम होती हैं वहाँ की जो कट ऑफ है वो हाई हो जाती है स्टार्टिंग में होता। अब लोग कहेंगे जैसे रिजल्ट आएगा ये कैसे, महिला की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, पुरुष की कट ऑफ कम गई। तो इसका रीज़न ये होता है कि जहाँ पर लोग कम होंगे, 5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, तो मान लीजिए एक को एजुकेशन की एक सीट है एक विषय में,
तो स्वाभाविक है वहाँ पर 5 महिलाओं को बुलाया जाएगा, सॉरी कोई एजुकेशन नहीं, महिला वर्ग में 1 सीट है तो 5 महिलाओं को इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी, और पुरुषों में मान लीजिए 20 सीट है तो पुरुषों में 16 लोगों को बुलाया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो कैटेगरी की कटाव है वो मोस्टली जो है हाई जाती है रिटर्न की। लेकिन उसके बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में मार्क्स बनने के बाद जो मेरिट बनती है तो उसमें फिर ऐसा किया जाता है कि सबसे पहले जनरल की मेरिट बना ली जाती है, और जनरल में जितने लोग भी उसमें आ रहे हैं उस मार्क कैटेगरी मार्क्स के कट ऑफ में किसी भी कैटेगरी से, तो उनको पहले जनरल में शामिल कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर कैटेगरी की कैटेगरी वाइज जो है मेरिट बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो रिटर्न में आपका जो है मिक्सअप नहीं होगा, अलग अलग मेरिट बनेगी, और फाइनल मेरिट जो है मिक्स होगी। ये तरीका है। तो हाँ, कोई एजुकेशन ऑप्शन का देखिए, मैंने कहीं फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है, और चूँकि मेरी वाइफ भी हैं अप्लाई करती हैं, तो अभी उनका भी फॉर्म मैंने अप्लाई नहीं कराया हुआ है, तो इसलिए वेबसाइट में कहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर, नोटिफिकेशन में ये तो मेंशन है कि सब्जेक्ट वाइज वुमेन को कितनी पोस्ट हैं, पर ये मेंशन नहीं है कि कैटेगरी वाइज में वुमेन की कितनी पोस्ट हैं, और इस वजह से ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम कैटेगरी मेंशन करें या जनरल में ही अप्लाई करें। सर, क्या ऐसा है कि ईडब्ल्यूएस वाले सिर्फ ईडब्ल्यूएस सीट को ही क्लेम कर सकते, जनरल की सीट नहीं? सर, मेरा सब्जेक्ट लॉ है और उसमें सिर्फ 2 सीट है ईडब्ल्यूएस की, तो क्या मुझे जनरल में ही अप्लाई करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, होता क्या है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछी जाती है, आप जनरल में हैं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस में फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस में डालना चाहते हो तो आप ईडब्ल्यूएस क्लिक कीजिए, और आप ईडब्ल्यूएस में नहीं डालना चाहते, जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है जनरल में अप्लाई कीजिए। और बात रही मेरिट की, तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है कि जहाँ पर पोस्ट कम होगी वहाँ पर मेरिट हाई जाएगी। इवन दो अगर आप एडवर्टीजमेंट नंबर 47 में देखें तो ओबीसी की कट ऑफ हाई गई थी रिटर्न में, और जनरल की कम गई थी। तो बेशक पोस्ट कम होंगी तो रिटर्न में आपको क्वालिफाई करने में थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए अगर आपने जनरल में अप्लाई किया तो वहाँ तो मेरिट नीचे जाएगी, लेकिन जो लास्ट पायदान के लोग होते हैं कट ऑफ में वो सिलेक्शन की उम्मीद कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो फाइनल मेरिट बनेगी जनरल की उसमें सभी वर्ग से हाईएस्ट वालों को प्लेस किया जाएगा। तो आप चाहे आवेदन कैटेगरी में करिए चाहे जनरल में कीजिएगा, सिलेक्शन अगर लेना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि किसी वर्ग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सिलेक्शन हो जाए, कोई भी अभ्यर्थी अगर ऐसा सोचता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल देखिए, जो सत्य है वो सत्य है। तो फॉर्म आप चाहे ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दीजिए चाहे जनरल में, लेकिन पढ़ाई अगर आपने स्टार्ट नहीं की तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए सबसे पहले जीडीसी का नोट एग्ज़ाम है 17 अप्रैल को अभी प्रस्तावित है, और उसके बाद फिर यूपीएससी का नंबर आएगा, और आप में से अधिकांश लोगों ने यूपीएससी जीडीसी का भी अप्लाई किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने यूपीएससी की तो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो जीडीसी के लिए, हाँ दोस्तों, याद आया मुझे कि जो सार्थक क्लासेस का ऐप है वहाँ पर ई बुक हमने क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो 200 पेजेस की पूरी बुक से सभी पॉइंट्स को मैंने वहाँ समाहित किया हुआ है, पेपर भी शामिल किया है उसमें, और जो बेस्ट हो सकता है वो हमने किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। और अगर हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेडिंग पॉइंट और CGPA वाले स्टूडेंट फार्मूला से परसेंटेज तो भर लेंगे, बट ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स वाले कॉलम में क्या भरें, क्योंकि उनके पास मार्क्स नहीं है, सिर्फ ग्रेड पॉइंट के और ऑप्टेन मार्क्स निकालने का फार्मूला है, सॉरी का फार्मूला भी नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखिए, मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में संपर्क करेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि क्या आपके मार्क्स हैं, तो एक बार जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिए। क्या रिजर्वेशन का फॉर्मेट डाउनलोड कर
कि बाय हैंड तहसील से जाकर बनवाना होता है, प्लीज़ गाइड मी। देखिए रिजर्वेशन का दो तरीके से आप आपके पास जो है आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मैंने देखा कि आप जब एक फॉर्मेट होता है जैसे EWS का है, सब जगह फॉर्मेट देते हैं, जनरल फॉर्मेट तो वही रहता है ना जिस पर बनता है, जिसमें आपका जैसे मान लीजिए EWS सर्टिफिकेट है तो आप नेट से देखेंगे तो वहाँ जो सर्टिफिकेट है वो आप लेके जाएंगे वहाँ, तो अगर वो फॉर्मेट सही होगा तो उस पर वो बनाएंगे, अन्यथा वो अपनी ही वेबसाइट से निकाल के फॉर्मेट बना के आपको जो है जो मान देखिए एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है रिजर्वेशन फॉर्म का, तो उसी फॉर्मेट पर तहसील वाले आपको बना के देंगे। और जो अलग अलग एजेंसी होती वो उसी मानक फॉर्मेट को पर को जो है आपके फॉर्म में देती है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो फॉर्मेट आपको ले जाना पड़ेगा, ऑलरेडी जो फॉर्मेट होता है रिजर्वेशन का उसी पे आप बनवा लीजिए। हमारे पास PG की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है अभी, बट रिजल्ट की कॉपी है, क्या रिजल्ट की कॉपी लगाने से फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, प्लीज़ एडवाइस मी। आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, केवल रिजल्ट की कॉपी है। देखिए मेरे हिसाब से आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अब चूंकि नहीं है तो आपके पास जो है उसे लगा के आप अप्लाई कर दीजिए और बाकी देखा जाता है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने अपना ऑब्जर्व किया हुआ है कि UPSC की अपेक्षा UPHSC थोड़ा नियमों में भी आसान है। पिछले बार कई ऐसे अभ्यर्थी थे, आपने भी देखा होगा, और बंदी के आधार पर बहुत सारे कागज नहीं होते, एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता है, तभी उनको इंटरव्यू देने को दिया जाता है, बट सेलेक्शन आपको तभी मिलेगा, नियुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ कंप्लीट कर देंगे। तो कोशिश कीजिए आपको मार्कशीट मिल जाए, अभी कुछ दिन वेट कर लीजिए लास्ट डेट से पहले तक का, एक दो दिन पहले तक का, और अगर आप अरेंज कर सकते तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या MPhil अप्लाई कर सकते हैं प्लीज़ बताएं, 2009 से पहले वाले। देखिए जो PhD की बात की गई है, आप एक बार नोटिफिकेशन और ध्यान से पढ़ लें, क्या उसमें MPhil दिया हुआ है। शायद संभवतः PhD वाले अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन चलिए मैं इसको देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। और ये नाम है अनुराग नैनो जी, मैं आपको आपके कमेंट में ही जवाब दे दूँगा, इसको मैं सही तरीके से एक बार देख लूँ। हाँ देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रारूप विज्ञापन में नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं, आपके पास जैसा फॉर्मेट होता है स्टेट गवर्नमेंट का उस पर बनवा के आप जो है अप्लाई कर दीजिए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम वही होता है मोस्टली जो गवर्नमेंट देती है उनको, तो फॉर्मेट उसी पे बनाते हैं, तो वो लोग अलग से अपना दे देते हैं कि भाई ये हमारा फॉर्मेट है, इस तरीके वाला ही आपको बनवाना है, तो वही होता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हूँ, मुझे फॉर्म फिल करने में क्या लिखना होगा, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी सर जी। देखिए फॉर्म अप्लाई करना तो डिपेंड करता है कि आप योग्यता रखती है कि नहीं उसकी, अगर आप नेट हैं और PG में 55% मार्क्स हैं तो आप निश्चित तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड अकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, देखिए UP में गुड अकेडमिक रिकॉर्ड का तात्पर्य यह है कि आपका ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या इससे अधिक होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया अपने UP का। आगे बढ़ लेते हैं, जी लिखा हुआ सिलेबस वाला सेक्शन खुल नहीं रहा है, ब्लैंक आ रहा है, कैसे होगा। तो ये अनुपम संसार जी, कोई बात नहीं, आप ऐसा करें सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखिएगा स्टडी मटेरियल, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर मिलेगा सिलेबस UPSC करके, उसको क्लिक करेंगे लगभग बहुत सारे विषय मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको वहाँ पर जो है आपका सिलेबस नया वाला जो है वो मिल जाएगा।
एग्ज़ाम कब होगा सर? देखिए, 4 चरणों में एग्ज़ाम प्रस्तावित है मई से, तो मई में एग्ज़ाम की जो एक डिटेल है वो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा अप्रैल का। अप्रैल में ही जाके कुछ क्लियर हो पाएगा। नेगेटिव मार्किंग है इस बार तो बिल्कुल नहीं है। एक देखिए संभावना थी जो एडवर्टीजमेंट 49 के अंतर्गत प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे काफ़ी संभावना बन रही थी कि संभवतः 1/4 निगेटिव मार्किंग आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। निगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है पहले की बार। फॉर्मेट आप ओबी से सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? तो जैसा आप लोग बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन में नहीं है फॉर्मेट, तो आपके पास जो है उसे ही आप अप्लाई कर दें, यहाँ पर जो है अपलोड कर दें। प्राइवेट एमए किया है डिस्टेंस में आप कर दीजिए, 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 2 विषयों में जो विषय आपका स्ट्रांग हो उसमें आप अप्लाई कीजिए। अगेन दोहनी महाजन, एग्ज़ाम कब तक होगा? 4 चरणों में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। 4 चरणों का मतलब है कि अगर मई से मान भी लेते हैं तो जुलाई, मई से जुलाई एक टेंटेटिव डेट हो सकती है। क्लियर, ये आपका अप्रैल लास्ट तक ही हो पाएगा। इग्नू वाले किसको डिस्टेंस या ओपन? तो ओपन आप कीजिए। मैंने हाल ही में नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया है जो कि तहसीलदार द्वारा 4 जनवरी 2021 को जारी किया गया है, क्या आयोग के अनुसार मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा। और क्या इंटरव्यू के समय फिर से जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा? कि जो आप भी देख लेते, गौरव सिंह ने कहा कि हाँ फिर से बनवाना पड़ेगा। सर बीएड में अप्लाई करना हो तो पीजी क्वालिफिकेशन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक मास्टर इन बीएड और मास्टर इन एजुकेशन। तो हम बीएड एमएड हैं तो उसमें कौन सा लिखेंगे? तो देखिए इसमें आप चेक कर लीजिए, एमएड आने लगा होगा वहाँ पे, तो ये दिक्कत समस्या जो है उस समय आपकी दूर हो जाएगी। जैसे आप वहाँ पर फिर से चेक करेंगे तो एमएड मिलेगा आपको, आप बीएड की जगह। प्राइवेट कैंडिडेट ऑलरेडी बात हो चुकी है, डिस्टेंस में अप्लाई कीजिए। देखिए ये प्रश्न है, चश्मे के साथ फ़ोटो अपलोड करने पर मान्य होगा अथवा नहीं? देखिए चश्मा आपका कैसा है ये डिपेंड करता है। अगर आपने कोई कलर चश्मा लगा रखा है तो मान्य नहीं होगा। सिंपल वाला अगर वो पढ़ाई वाला चश्मा है नज़रों का, ठीक है, तो वो आपका मान्य होगा। जयप्रकाश जी ने कहा सर आई डिड व्हाट्सएप यस्टरडे। जी आपने मैं व्हाट्सएप किया हुआ था, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी प्रश्नों के जवाब, जो भी प्रश्न थे आपके, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। जी देखिए एक क्वेश्चन है, सर जी गुड मॉर्निंग, मेरा एमए फाइनल ईयर का मार्कशीट में इश्यू डेट अंकित नहीं है। तो देखिए आप ही के साथ में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एमए की मार्कशीट की इश्यू डेट नहीं ज्ञात होगी, और वहाँ पर और इसके आगे कह रहे हैं कि प्राइवेट से एमए हूँ। तो देखिए दोनों समस्या है कि डेट आप एक टेंटेटिव डेट डाल दीजिए, कुछ तो अनुमान होगा कि कब आपको मार्कशीट मिली थी, उस हिसाब से आप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और चूँकि आपका प्राइवेट है तो वहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रेगुलर और डिस्टेंस और ओपन, तो डिस्टेंस का ऑप्शन आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सर प्लीज़ प्रोवाइड सिलेबस इन एंशियंट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट। जी इसके लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, उसके अंतर्गत जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर मिल जाएगा सिलेबस से संबंधित, और उसी सिलेबस के फोल्डर में मैंने लगभग सभी विषयों के सिलेबस उपलब्ध कराए हैं। और अगर आपका सिलेबस वहाँ पर नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि मैंने मेरे पास लगभग सभी विषयों के समय थे
सिलेबस, तो मैं अपलोड कर दूँगा। सर मैं एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी किया है और मैं हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री किस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकता हूँ? देखिए, आपने एंशिएंट हिस्ट्री से पीजी किया है तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में ही अप्लाई कीजिए। जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसे आप अप्लाई कर दीजिए। सर क्या पीएचडी वाले फॉर्म भर सकते हैं? इसका रिप्लाई भी चेक कर लेते हैं क्या है। देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार 2009 और 2016 पीएचडी रेगुलेशन के अंतर्गत जो लोग भी आते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उनको नेट से छूट है। तो देखिए, 2016 रेगुलेशन का मतलब है, इनडायरेक्टली आप समझ सकते होंगे कि जितने भी अभ्यर्थी पीएचडी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, इस विज्ञापन में जो पीएचडी होल्डर हैं उनको एक तरीके से हम कह दें कि वरीयता दी गई है, छूट दी गई है अप्लाई करने का, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या पीएचडी वाले फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, आपकी पीएचडी अगर 2016 रेगुलेशन 2009 रेगुलेशन में है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये विष्णु शंकर जी ने पूछा हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भरने पर केवल ईडब्ल्यूएस में ही रह पाएंगे क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं विष्णु जी। देखिए, जो रिटर्न की आपकी मेरिट बनेगी वो ईडब्ल्यूएस में ही बनेगी। अगर सीट कम होंगी तो इसके लिए आप बिल्कुल अभी से तैयार रहिएगी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे। और अगर बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो उस कंडीशन में जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका फिर जनरल में हो जाएगा। तो दोस्तों, एक कमेंट थे जो हमने लिए और अब मेरा फ़ोन नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऑनलाइन ही मैं सारे कमेंट पढ़ रहा था। मैंने कोशिश किया है कि जो भी जवाब हो सकते थे आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर मेरे पास, वो मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। फिर भी आप भी एक बार और भी कई जो भी आपके टीचर लोग हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, उनसे भी आप जो है एक बार डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा अपने जो भी आपकी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कमेंट जो हमने आज साझा किए आप लोगों के साथ, और फिर भी अगर आपका कोई और भी डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो की जो मैंने अभी वीडियो बनाया है इसी में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि और अधिक क्लियर करके आप लोगों के लिए जो तथ्य मैं कलेक्ट करके लाऊँ। इसके अतिरिक्त देखिए, UPSC 50 और UPPSC संबंधित तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो उससे संबंधित कंप्लीट स्टडी मटेरियल आज की डेट में सार्थक क्लासेस का जो ऐप है उस पर उपलब्ध है। आप सिंपल सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया, वहाँ पर स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, स्टोर में जैसे क्लिक करेंगे आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ और एक सूचना के साथ। अगर आपको भी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार।